नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रहे हैं मयंक बेडेकर जी। इस देश के युवा तबला वादकों में उनका एक अहम स्थान है और एक बड़े जाने माने गुरु के संरक्षण में उनकी तालीम हो रही है, उनकी शिक्षा चल रही है। इन सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मयंक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिवन जी। तो मयंक भाई, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो बहुत ही बेसिक सा एक प्रश्न होता है कि शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय वाद्य यंत्र या शास्त्रीय नृत्य, जहां भी शास्त्रीय शब्द जुड़ गया तो वो फिर उसको सीखना, उसकी साधना करना बड़ा मुश्किल काम है। ये सफर कैसे शुरू हुआ था जी? मुश्किल काम तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की कला हो, वो अगर उसमें एक मुकाम हासिल करना है, अगर कहीं किसी लेवल पर पहुंचना है, तो सारी कलाएं बहुत अपने आप में मुश्किल हैं। और जितना उसमें उतरते जाते हैं, जितना रियाज करते जाते हैं, उतना और समझ में आता जाता है कि अभी बहुत आगे, समंदर अभी बहुत गहरा है। तो मेरा सफर बहुत बचपन से शुरू हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी सरोद बजाते थे, तो वो प्रोफेशनली उस चीज को नहीं कर पाए हालांकि, लेकिन बचपन में तो जब भी मैं सरोद सुनता था तो उनके साथ में उनके एक मित्र तबला संगत के लिए जो आया करते थे, तो मैं उस ध्वनि के प्रति, तबले के नाद के प्रति मैं ज्यादा आकर्षित होने लगा बचपन से ही। करीब 1-1.5 साल उम्र रही होगी या 2 साल, ऐसा मुझे मेरे पेरेंट्स बताते हैं। तो तब से फिर उन्होंने ऐसा तय किया कि मुझे ये सिखाया जाए, और 3.5 साल की उम्र से मैंने विधिवत इसमें शिक्षण लेना शुरू किया। तो मयंक, रागगिरी के इस इंटरव्यू सीरीज का एक मकसद ये भी होता है कि हम जिस भी कलाकार का इंटरव्यू कर रहे हैं, वो किसी भी उम्र का हो, लेकिन उससे ये गुजारिश करें कि वो अपने गुरुओं को जरूर याद करे, उसके जीवन को जिसने भी गढ़ा है उसको जरूर याद करे। तो आपसे भी हम यही कहेंगे कि अपने शुरुआत से लेकर अब तक जिन गुरु के द्वारा आपको शिक्षा दी गई, जिन गुरुओं ने आपके अंदर संस्कार के बीज बोए, उनका जिक्र जरूर करें, उनके बारे में हमें जरूर बताएं। जरूर जरूर, बिल्कुल, मुझे बहुत आनंद होगा। मैं इसी की राह देख रहा था। तो मेरे सबसे पहले गुरु हुए श्री विनय वागले जी, जो उज्जैन में, जिन्होंने मेरा पहले हाथ रखवाया तबले के ऊपर। उनसे मैंने कुछ सालों तक सीखा। उसके बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ कुछ जॉब की वजह से नागपुर में। तो नागपुर में मुझे श्री सुरेश तुलनकर जी से सीखने का सौभाग्य मिला, करीब 3 या 4 साल तक के लिए। उसके बाद हिसार में युवा महोत्सव के लिए मैं कंपटीशन के लिए गया था, तब मेरी मुलाकात पंडित कालेराम जी से हुई, जो जालंधर के रहने वाले हैं। तब फिर उनसे संपर्क बढ़ा, फिर उनसे भी 2 या 3 साल तक उस समय सीखने का सौभाग्य मिला। वो पंजाब घराने के बहुत बड़े तबला नवाज हैं। तो उसके बाद फिर तालयोगी पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर जी, उनसे संपर्क हुआ सौभाग्यवश, और फिर उसके चलते मैं गुरुजी से विधिवत सीखने लगा। पहले हालांकि जब वो मुंबई में रहते थे हमारे गुरुजी, तब मैं जा आके उज्जैन से, जब भी मुझे स्कूल से छुट्टियां मिलती थी और जैसा भी मौका लगता था, तो गुरुजी की जो उपलब्धि है उसके आधार पे उनसे जाके वहां पे 1 महीना रह के या जितने भी दिन रहना हो पाता था सीखता था। और फिर जब मैंने बीकॉम के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, तब इसी शर्त पे लिया कि अब मैं, मुझे तबला करना है, तो मैं पूना जाके
तब तक गुरुजी पूना में शिफ्ट हो चुके थे, तो पूना जाके ही रहूंगा और बीकॉम उज्जैन से केवल परीक्षा देने के लिए या उस तर्ज पे करूंगा। तो वो भी मुझे परमिशन मिल गई और फिर तब से मैं पूना रहने आ गया और फिर गुरुजी से विधिवत शिक्षण तब से मेरा शुरू हुआ। पंडित सुरेश तलवरकर जी ने जब आपको अपना शिष्य बनाने का फैसला किया और जब आपको ये सौभाग्य मिला कि आप उनके शिष्य बनेंगे और आप उनसे तालीम लेंगे, कोई जी ना कोई किस्सा जरूर होगा, कोई ना कोई घटना जरूर हुई होगी, कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, क्योंकि इतने गुणी गुरु का मिलना इतना आसान नहीं होता। और तमाम इंटरव्यूज मैंने इसी फोरम पे, इसी मंच पे किए हैं, जिसमें हर किसी ने कहा कि आधी समस्या तो उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है। बिल्कुल सही बात। क्या घटना थी वो, क्या किस्सा है वो? तो हुआ ऐसा था कि हमारे गुरुजी का इंदौर आना हुआ एक प्रोग्राम के चलते। तो उनका प्रोग्राम कुछ 2 या 3 घंटे तक चला। हम सब लोग, मैं, मेरे पिताजी और बाकी भी कुछ दोस्त लोग, पिताजी के साथी, वो हम सब लोग सुनने गए थे। तो वो प्रोग्राम के बाद हम लोग एक ऐसे इतने भाव विभोर हो गए और ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि ऐसा कभी आज तक सुना नहीं था कि ये क्या हो गया। और अगर ये चीज, अगर इन पंडित जी से अगर कुछ सीखने को मिल सकता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मैं गया, उनके चरण स्पर्श किए, मैंने आशीर्वाद लिया और पिताजी ने उनको सिर्फ ऐसा कहा कि ये मेरा बेटा है, आपके आशीर्वाद इसे चाहिए, ये भी तबला थोड़ा बहुत बजाता है। और फिर और भी 2-3 लोगों से कुछ बातचीत हुई, तो ये बजाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अगर आप इनको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा पंडित जी से जिक्र हुआ। और उसके बाद तुरंत हमारे गुरु जी ने बोला कि अच्छा, आज रात को समय है मेरे पास, तो आप होटल में आइए, मैं इसका तबला सुनता हूँ थोड़ा, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है आगे। तो बड़ा, फिर तबला तो लेके गए नहीं थे, फिर वहीं से इंदौर में किसी मित्र से और वो तबला वगैरह अरेंज करवाया और गुरुजी के पास गए और बजा के सुनाया। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बाहर भेज दिया, बोले बेटा अभी मैं आपके पापा से थोड़ा बात करना चाहता हूँ, तो आप बाहर जाओ। और फिर पिताजी से बात हुई और उसके बाद पिताजी ने आके बोला गुरुजी मान गए हैं और उन्होंने बुलाया है सीखने के। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे एज ए शिष्य स्वीकार किया और फिर उसके बाद सफर शुरू हुआ, धीरे धीरे आना जाना, उज्जैन से मुंबई, मुंबई से उज्जैन। फिर मुंबई में जाता था तो गुरुजी के पास में उधर ही एक आश्रम था, वहां पे रहता था। मुंबई में मेरी बुआ जी भी हैं, उनके घर पे रहता था, ऐसा करके फिर धीरे धीरे वो सफर शुरू हुआ। मयंक, आप ना कभी अगर रागगिरी के हमारे YouTube चैनल को जाकर थोड़ा वहां पर घूमेंगे तो आप पाएंगे कि तबला तबला वादकों की जो इंटरव्यू की कहानियां हैं, जो रेंज है, अद्भुत तबला वादकों का इंटरव्यू आपको मिलेगा। और उसमें चाहे वो अकरम खान साहब से लेकर और तन्मय दास से लेकर, अनिंदो दास से लेकर, और फिर आप इधर पंडित क्या बात, राम कुमार मिश्रा जी से लेकर, मतलब बहुत ही सौभाग्य रहा कि तबला तबले की कुछ हमारे YouTube चैनल पर विशेष कृपा रही है। तबले को लेकर बहुत बातचीत की है मैंने, जी और मेरा बड़ा एक पसंदीदा प्रश्न है जो मैं हर उम्र के कलाकारों से पूछता हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि तबला सबसे ज्यादा संगत में दिखाई देता है। और ये बहुत जी डिबेट का पॉइंट है कि तबला एक सोलो वाद्य यंत्र है या फिर संगत का वाद्य यंत्र है। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि नहीं, तबला सोलो प्रोग्राम करने में कोई हर्ज नहीं है, मिलता है तो जरूर करते हैं, लेकिन है तो दरअसल तबला संगत का ही वाद्य यंत्र। एक युवा कलाकार के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, जिस हिसाब से मेरी तालीम हुई है, जिस हिसाब से मेरा सीखना हुआ है, मैं भी यही कहूंगा कि सबसे पहले तो तबला एक संगत का ही साज है।
और संगत बहुत ज्यादा जरूरी है आना किसी भी तबला वादक के लिए, क्योंकि वो साज की एक पहली रिक्वायरमेंट है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली सबसे पहले सोलो आना बहुत जरूरी है, तभी आप एस्टेब्लिश हो पाएंगे एक तबला वादक के रूप में। क्योंकि एक सोलो तबला प्लेयर, जब वो अच्छा सोलो तबला प्लेयर है, एक दर्जे पे, एक लेवल पे अगर वो है, तभी वो संगत की, साथ संगत की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। तो टेक्निकली हाथ तैयार होना, सारी चीजें बकायदा याद होना, कहाँ पर क्या बजना चाहिए, वो बजना चाहिए तो वो बज रहा है कि नहीं बज रहा है, ये सारी चीजें सोलो तबला प्लेइंग से ही आती है। और फिर उसका अलग अलग जगहों पे यूज करना, जैसे गाने के साथ अलग हो गया, अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अलग हो गया, नृत्य के साथ अलग हो गया, फ्यूजन म्यूजिक के साथ अलग हो गया, फिर गाने में भी अलग शाखाएं हैं। तो हर एक का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सबसे पहले तैयार सोलोइस्ट होना बहुत जरूरी, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और लगभग इसी लाइंस पर बातचीत बाकी लोग भी करते हैं, और साथ ही साथ ये भी एक मत निकल कर आता है कि जब आप संगत करते हैं तो वहां पर ईगो की कोई जगह नहीं होती। वहां पर आप जिस कलाकार के साथ चल रहे हैं, जिस कलाकार के साथ संगत कर रहे हैं, वो जो रास्ता आपको दिखा रहा होता है, उस रास्ते पर आपको चलना होता है, ना कि जो आप सोच कर आए थे या आपके जो घराने की चीजें हैं कि जरा मैं ये बजा लूं, जरा मैं ये कायदा बजा लूं, या जरा ये रेला बजा लूं, ऐसा नहीं है। जिस बिल्कुल कलाकार के साथ आप संगत कर रहे हैं उसके साथ करें। अब मैंक, संगत की बात हुई है तो कई बड़े कलाकारों का आशीर्वाद आपको भी मिला है। जी। कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में भी बताइए, और वो कितनी सुनहरी यादें हैं उन कार्यक्रमों की। मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूं कि पंडित गोकुलोत्सव महाराज जी के साथ में मुझे संगत करने का सौभाग्य मिला था, और मैं बहुत छोटा था उस समय। तो ये मेरे जहन में बात बड़ी रह गई है कि वो उनकी लय, और लय बढ़ रही है, लय घट रही है। मैं उस समय शायद 6th या 7th में रहा हूंगा, बहुत छोटा था, लेकिन वो मुझे सौभाग्य मिला। और तब उन्होंने, प्रोग्राम होने के बाद में थोड़ा उन्होंने कहा कि ध्रुपद मैं गाता हूं थोड़ी देर। तो वो जब ध्रुपद गाने लगे तो उनको उनके मन मुताबिक ठेका नहीं मिल रहा था, क्योंकि ध्रुपद का बाज ही अलग है, और तब मैं भी बहुत छोटा था और बाकी सारी बातें थी। तो उन्होंने खुद पखावज ले लिया अपने साथ में, और ध्रुपद के गाने के साथ साथ ही वो बजाने भी लगे, और जितना फ्रीली वो ध्रुपद गा रहे थे उतना ही फ्रीली पखावज भी बजा रहे थे। तो ये बात मेरे दिमाग में इतनी घर कर गई कुछ, कि ये किस्सा बिल्कुल मैं भूल नहीं सकता कभी भी। और बाकी भी वैसे तो आशीर्वाद मुझे बहुत लोगों के मिले, बाद में गोकुलोत्सव महाराज जी ने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया कि नहीं बेटा अभी छोटे हो, लेकिन आगे जाके अभी बहुत सीखना है, और बाकी भी सारी बातें। लेकिन अभी भी काफी जो मेरा प्रवास है, जो तो अभी काफी होना है, अभी देखते हैं और किन किन लोगों से आशीर्वाद मिलता है मुझे। सबसे बड़ा आशीर्वाद गुरु जी का है, हमारी गुरु माँ, उनसे, उनके साथ भी मैंने काफी संगत की है, उनका आशीर्वाद है। तो रागगिरी के जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि पंडित गोकुलोत्सव महाराज, जिनका जिक्र अभी अभी मयंक जी ने किया, वो ना सिर्फ ध्रुपद बल्कि हवेली संगीत में भी बहुत ही पारंगत, बहुत ही दक्ष कलाकार हैं। और हवेली संगीत अब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक फॉर्म हो गया है, और बहुत कम कलाकार हैं जो उसको अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ये जी पंडित जी का कह सकते हैं प्रण है कि
कि वो उसको भी संरक्षित करके चल रहे हैं, उसको भी उसके भी वो कार्यक्रम करते हैं और उस कला को भी उन्होंने अब तक बचाए रखा है, बनाए रखा है, और शायद यही वजह है कि भारत सरकार उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित कर चुकी है। मयंक, मैं आखिरी सवाल जो पूछने जा रहा हूं आपसे वो बहुत ही एक लेमैन का प्रश्न है और आप जी कितनी आसानी से उस बात को समझा पाते हैं, ये दिलचस्प होगा। एक दिन मेरे एक मित्र, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि भैया ये कैसे होता है कि एक आदमी सरोद बजा रहा है या सितार बजा रहा है, दूसरा आदमी साथ में तबला बजा रहा है, दोनों अपना अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और फिर कहीं जाकर वो एक जगह मिल जाते हैं, तब हम लोग को समझ में आता है कि अच्छा अभी कुछ हुआ। तो चूंकि मेरी मेरी संगीत की समझ बहुत सीमित है, मैंने कोई संगीत विधिवत सीखा नहीं है, सिर्फ सुनने का शौक है, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जैसे मान लीजिए कि आपको किसी शहर की किसी एक इमारत के पास जाना है, आपको दिल्ली में लाल किले के पास जाना है और दो लोग एक साथ जा रहे हैं, लेकिन एक ने तय किया कि वो आईटीओ के रास्ते से जाएगा और एक ने तय किया कि वो किसी दूसरे रास्ते से जाएगा, लेकिन दोनों की मंजिल और दोनों के पहुंचने का समय एक है, ये तय है कि दोनों को एक समय पर पहुंचना है और मंजिल यही होगी। संभवतः कुछ ऐसा ही होता है जब एक किसी दूसरे वाद्य यंत्र के साथ आप लोग संगत करते हैं, ये तो मेरी परिभाषा थी, आप जरा इसको और आसान तरीके से समझाइए। ये समझाना बड़ा मुश्किल है, जितना आसान ये अभी मेरे लिए जानना है उससे काफी मतलब जस्ट उसका अपोजिट है, समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ये कैलकुलेशन है, जो हमारी तालें होती है, तो ये ऐसा समझ सकते हैं कि एक ही सड़क पर वो सरोद प्लेयर भी चल रहा है और वो तबला प्लेयर भी चल रहा है। बस चलने का अंदाज कुछ अलग हो सकता है, हमारे क्या बोल सकते हैं, उनके पास कोई अलग कार हो सकती है और मेरे पास कोई अलग कार हो सकती है और हम हमारे हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ जा रहे हैं। ये हमेशा होता रहता है कि हम लोग साथ हैं, आगे पीछे कोई नहीं है और हम साथ में ही, अगर साथ जा रहे हैं तो साथ ही पहुंचेंगे। बस इतना ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि ताल जो है, अब अलग अलग तालें बनी हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर तीन ताल लेते हैं तो दोनों के जहन में वो तीन ताल जो चल रहा है उसकी 16 मात्रा तो है, बराबर है, वो 16 मात्रा दोनों के जहन में है, लेकिन उसकी जो लय है, उसकी चाल है, वो भी फिक्स है। तो अगर कुछ वहां पर सरोद पर कुछ अलग बज रहा है, अगर तबले के ऊपर अलग बज रहा है, तब भी जो 16 मात्राएं जो फिक्स हैं और जो 16 मात्रा का समय जो फिक्स है कि इसी समय से वो चलना है 16 मात्रा, तो जो वापस 16 के बाद की पहली जो मात्रा है उस पर हम लोग साथ में आना ही है उस पर, ऐसा मैं बता सकता हूं। मयंक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और आप इस इंटरव्यू में शामिल हुए हमारे साथ बातचीत में, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने कहा कि अभी तो आशीर्वाद मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही मानते हैं और हम भी यही दुआ करते हैं कि आशीर्वाद मिलने का सिलसिला अगले कई बरसों तक चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। जी शिवेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आपने मुझे आपके इस YouTube चैनल पर आमंत्रित किया। साथ ही आपको और समस्त श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम।